लो अच्छे से। ए पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पिलर। तो ये लीजिए, ये मैंने बनाया पिलर ए बी, तो पिकॉक पिकॉक कहां बैठा बेटा? ए पे मैं बना रही ना, ड्राइंग नहीं बना रहा पिकॉक की, ठीक है? ये बात आप सोच के चलना, आई एम नॉट मेकिंग ड्राइंग ऑफ पिकॉक, ठीक है? अब इस पिलर की हाइट कितनी है? 9 मीटर, ठीक है? अब स्नेक इस पिलर के बॉटम से 27 मीटर के डिस्टेंस पे था, सपोज पॉइंट सी पे था, ठीक है? सपोज किस पॉइंट पे था वो? पॉइंट सी पे था। और एक होल है जो पॉइंट बी पे है, जहां पे स्नेक आना चाहता है, और पिकॉक ने यहां पे सी पे देखा स्नेक को और उसकी तरफ झपट्टा मारने को आया। और सपोज किसी पॉइंट डी पे पिकॉक ने उसे पकड़ लिया, पिकॉक ए से आया ऐसे उड़ते 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 और डी पे झपट्टा मारा, तब तक सी से डी तक स्नेक पहुंच गया, ठीक है जी? यहां तक कोई इश्यू हो तो बताइए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैं कहता हूं यार सी डी अगर एक्स है ना, तो ए डी भी एक्स ही होगा, ये डिस्टेंस इक्वल होगा। ये क्यों होगा इक्वल? इसका रीजन, सपोज स्नेक की स्पीड है s मीटर पर सेकंड, सपोज, तो पिकॉक की भी उतनी होगी क्योंकि स्पीड्स इक्वल है। इस क्वेश्चन में स्पीड्स क्या है? इक्वल है। सपोज पिकॉक ने 30 सेकंड में पकड़ा, तो 30 सेकंड पिकअप भी चला, तो पिकअप का डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, और कौन है हमारा? स्नेक। स्नेक का डिस्टेंस भी स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैंने इनके डिस्टेंसेस का रेशियो देखा, वो तो 1:1 हो गया, मतलब जितना डिस्टेंस स्नेक चला होगा उतना ही डिस्टेंस पिकअप ने कवर किया। ये बात सबको क्लियर है? तभी अगर मैंने इसको एक्स माना ना, तो एडी को भी मैंने क्या माना? एक्स माना। ये इंपॉर्टेंट बात समझने की ये थी, रट्टा नहीं लगा के जाना। क्या पता बोर्ड में थोड़ा चेंज होके आ जाए, क्या पता ये डिस्टेंस का रेशियो 3:4 आ जाए, तो फिर आपको क्या मानना पड़ता? 3x और 4x। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सिर्फ रट्टा नहीं लगा के जाना, चीजों को समझ के जाना है। अभी तो एक्स और एक्स है ये। अब टोटल बीसी कितना है बोलो? 27। तो बीडी कितना हुआ? 27 माइनस x। बी डी हुआ 27 माइनस x। यहां तक आ गया समझ? अब आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रही है ए बी डी, उस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो x² = 9² + 27 - x² आया ना? व्हाट इज 9² 81। वट इज ए माइनस बी का होल स्क्वेयर? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ठीक है? अब x² से x² कट हो गया, ना कट होता तो कोई ना कोई क्वाड्रेटिक बनती, वो भी आपको सॉल्व करनी आती है। तो ये कितना हुआ बेटा? 810, और -54x का इधर आके +54x, x की वैल्यू 9 पे कट करा और 15 आ गया। अभी आंसर नहीं आया, अभी तो एक्स का वैल्यू आया, ठीक है? बोलो अभी हमारा क्या आया? एक्स का वैल्यू आया। एक्स मैंने मीटर में ही मान लिया था पहले ही, मीटर में ही मान के चलना, क्योंकि तो सारा डेटा ऑलरेडी मीटर्स में है ही, तो एक्स भी किस में मान लेना आप? मीटर्स में। तो शुरू में ही लिख देना एक्स मीटर ये। अच्छा तो रिमेनिंग बीडी डिस्टेंस कितना होगा? 27 - 15 12। मैंने बीडी क्यों निकाला? क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल? होल पिलर के नीचे है, ये क्वेश्चन में मेंशन है, होल एट द बेस ऑफ द पिलर। तो बीडी डिस्टेंस 12 हो गया। कितने बच्चों के बात समझ आ गई? यही हमारा आंसर है, आंसर इज 12। तो रट्टा मत मानना, समझ लेना, क्या पता किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो कि दोनों के डिस्टेंस का रेशियो 3:4 हो, तो फिर हमें क्या मानना पड़ता? 3x और 4x।
ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें क्लैरिटी में आनी चाहिए आपको।